Thank you. Thank you, Ash, great, yes. And here? I like it. Thank you. Implementing full adder. Full adder. कौन से डस्टर लेके आया? डस्टर मेरा तो कोई उठा लेगा। ऐसा कैसे अरेंज कर भी लाऊं? अरे किसी को डस्टर है? मैं बिना डस्टर के भी पढ़ा सकती हूँ, पूरे दिन डस्टर बिना डस्टर कैसे पढ़ाऊंगी? बल लाऊं। बैठ जाओ। और कल से कल डस्टर तुम खरीद के लाओ, तुमने बोला। ये तो बना दे रहा। Implementing full adder values. Implementing full adder using half adder. Using two half एडर। देखो ये दूसरा तरीका है काम करने का फुल एडर, जिसमें आप क्या करोगे, फुल एडर कौन सा सर्किट होता है जिसमें हम दो बिट्स को ऐड कर, सॉरी थ्री बिट्स को ऐड करते हो, ठीक है। हाफ एडर में हम क्या करते थे, दो बिट्स को ऐड करते थे और जो कैरी जनरेट होता था वो आगे कैरी ऑन नहीं होती, ठीक है। ये आपका हाफ एडर था, फिर हमने फुल एडर पे जंप किया था, ठीक है। सुनते चले जाओ लिखना बात। फुल एडर सर्किट क्या करता है, एट अ टाइम तीन बिट्स को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, ठीक है। फिर मैंने आपको उसके जनरल एक्सनोर गेट समझा के और एंड गेट समझा के उसकी कहानी समझाई थी, ये मैप बनाया था, फिर उसकी हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी, फिर हमने उसका सर्किट डायग्राम बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब क्या है कि जैसे फुल एडर है, फुल एडर को दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फुल एडर के बारे में बताइए, नोट लिखिए और इसको विस्तार से समझाइए, ठीक है। एक्सप्लेन इट इन अ डिटेल, ठीक है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन अ हाफ एडर सर्किट, फुल एडर सर्किट, तो आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको चेंज करके ऐसे आ जाए कि आपको फुल एडर सर्किट बनाना है दो हाफ एडर सर्किट की हेल्प से, तो अभी वो एक अलग तरीका है। मतलब आप दो हाफ एडर सर्किट को यूज करके क्या बना रहे हो, फुल एडर सर्किट बना रहे हो। समझ आई मेरी बात? लिखिए जरूर, हेडिंग डाली है, ये डाली है हिंदी में बताओ। देखिए जरा, दो हाफ एडर सर्किट की सहायता से एक फुल एडर सर्किट बना। इसमें लिखिए पहले आप, पहले आप एक दो लाइन्स इसके बारे में लिख लीजिए, पॉइंट्स लिखिए बच्चे। दो हाफ एडर द्वारा, दो हाफ एडर सर्किट, दो हाफ एडर सर्किट द्वारा, हाफ एडर को एच ए स्मॉल में शॉर्ट में लिखिए, फुल एडर को फुल एफ ए शॉर्ट में लिखिए। दो हाफ एडर की, दो हाफ एडर सर्किट की द्वारा एक फुल एडर सर्किट को इजीली बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बनाना या इंप्लीमेंट करना सेम चीज है। इसको इंप्लीमेंट और बनाना एक चीज है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए दो हाफ एडर और एक और गेट की जरूरत होती है, और एक और गेट की जरूरत होती है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं बता रही, इसके बाद आप जरा बोर्ड पे लिखिए। देखो मैंने कहा कि सब लोग यहाँ देखेंगे, कोई नहीं रोक रहे, जब आपको पिछली बार नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हाफ एडर में हमने क्या किया था, हाफ एडर सर्किट में एक तो आपका कौन सा गेट था, एक्सोर गेट था, और एक आपका एंड गेट, दैट्स इट, इतना ही था। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें फुल एडर सर्किट को हमें हाफ एडर की हेल्प से बनाना है, जो वो कहता चला जा रहा है मैं वही बनाते चल रहा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया है, आपका जो हाफ एडर सर्किट होता था, सबसे पहले हम हाफ एडर देते हैं क्योंकि मेन रोल इसमें हाफ एडर का ही है।
तो हाफ एडर के लिए मुझे क्या करना था, अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम से समझाऊँ तो ऐसा था कि हाफ एडर में एट अ टाइम केवल दो इनपुट से क्या होती है, यूज हो रही है, दो इनपुट को जो ऐड कर सके दैट इज अ हाफ एडर, जो एट अ टाइम थ्री इनपुट्स को ऐड कर सके दैट इज अ फुल एडर। सबको मेरी बात समझ आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं इसको लग रहा हो मैं जल्दी बोल रही हूँ समझ ना आ रहा, समझ आ रहा है? तो हाफ एडर, फिर हाफ एडर से आपकी दो आउटपुट्स आएंगी, हाफ एडर सर्किट से, सर्किट की बात कर रही हूँ मैं, गेट की बात नहीं कर रही, गेट की हमेशा एक ही आउटपुट आएगी, मैं सर्किट की बात कर रही हूँ, सर्किट और गेट में फर्क है, ठीक है? सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मल्टीपल गेट्स, गेट्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सर्किट होता है, उसकी कितनी भी आउटपुट हो सकती है, लेकिन अगर गेट की बात करूँ तो गेट इज बेसिकली टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को एक गेट के द्वारा आप क्या करा सकते हो, परफॉर्म करा सकते हो, उसमें हमेशा एक ही आउटपुट होगी, गेट की हमेशा एक ही आउटपुट होगी। सर्किट तो ये है कि बहुत सारे क्या है आपके सर्किट्स हैं, तो कितनी भी आउटपुट्स हो सकती हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल गेट्स हैं, समझ आएगी नहीं बात? तो यहाँ पे हाफ एडर में क्या होगा, ये तो आपकी इनपुट्स हो गई क्योंकि हाफ एडर दो ही इनपुट को ऐड कर सकता है, तो इसलिए हम इसमें दो ही इनपुट दिखाएंगे, और आउटपुट जो है सर्किट की, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द गेट, आई एम सेइंग सर्किट, सर्किट की आपकी दो आउटपुट होगी, एक तो सम और एक आपका क्या है, यही होता था, चाहे आप कितने भी हाफ एडर सर्किट बनाए आपको हर बार ये मिलेगा, एक सम एक कैरी, एक सम एक कैरी, मतलब आपको आउटपुट पे कैरी मिलेगा, समझ आ गई मेरी बात? हाँ या ना? अब इसको मैं, आप इसको तो बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है? अब मैं बना रही हूँ उसका हाफ एडर का सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम पहले इसको बनाओ आप, ब्लॉक डायग्राम को जिस तरह मैं लिखती हूँ उस तरह लिखिएगा, हाफ एडर एरो बना के लिखिए, हाफ एडर ब्लॉक डायग्राम, फिर आएगा आपका सर्किट डायग्राम, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ। पर हाँ थोड़ा तेज चलो, इसमें कोई सफाई में कुछ नहीं है, पर हम इसको कंप्लीट होकर जल्दी चलिए। आपको मैंने सिर्फ भी बताया था कि
कि ये गेट कौन सा होगा आपका एग्जोर। एग्जोर क्या करता है, जब आपकी डिफरेंट इनपुट्स हो, जब आपकी सेम इनपुट्स होंगी, इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट आपकी हमेशा लो आएगी। ये क्या कहता है एग्जोर। एग्जोर एक अकेला ऐसा गेट है, ना तो ये एंड को फुलफिल कर रहा है, एंड गेट भी नहीं हो सकता ये, सिर्फ इसको देखिए, एंड गेट भी नहीं हो सकता, और भी नहीं हो सकता, नोट भी नहीं हो सकता, नैंड भी नहीं हो सकता, नोट भी नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा बचा है एग्जोर और एक्स नोट। एग्जोर क्या कहता है कि अगर आपकी दो सेम इनपुट है, चाहे वो दोनों लो हो चाहे दोनों हाई हो, तो आपकी आउटपुट हमेशा लो आएगी। यही समझाया था मैंने एग्जोर में, सब कुछ मैंने समझा रखा है इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे यानी ये गेट, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ए एग्जोर बी, यही होगा। और क्या समझाया था, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये समझाया था, यही होता है। तो यहाँ पे तो बनेगा आपका एग्जोर गेट, ये होता है, ठीक है, डन। ए बी, ये तो आगे इसकी कहानी यहाँ पे खत्म होगी। अब किसकी, अब हमें कैरी की, कैरी के लिए बनाना है, ठीक है। कैरी के लिए भी इनपुट तो ए बी ही है, तो इस ए को उठा लो ऐसे करके और यहाँ से बी को बन, बात तो सेम ही होगी ना, वही तो ए बी है ना। अब हमें इसके आउटपुट चाहिए कैरी, अब हमें चाहिए कैरी के लिए। तो कैरी के लिए इसको तो भूल जाओ, बीच वाले को, इस बीच वाले को तो भूल जाओ, ठीक है। अब इसको याद रखो, अब अगर ऐसा कुछ सर्किट है जिसमें जीरो करा तो जीरो ही आ रहा है, जीरो को वन किया तब भी जीरो ही आ रहा है, वन को जीरो से किया तब भी जीरो ही आ रहा है, जब वन वन को किया तो वन आ रहा है, ऐसा कौन सा गेट है? और गेट, एंड गेट। एंड गेट में क्या करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे? एंड गेट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे वन आएगा, तो कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। तो आप यहाँ पे बनाओगे ये किसको फुलफिल करता है, एंड गेट। तो इसकी आउटपुट आएगी ए एक्सॉर बी और इसकी आएगी ए डॉट बी, समझ आ गया मेरी बात। इससे दो ही इनपुट को किया, अब हमें ऐसे ऐसे दो सर्किट बनाना, एक सर्किट ये बन गया, ये हाफ एडर समझ आ गया, फुल एडर में इसके बाद समझा चुकी हूँ। अब मैं दो फुल एडर, दो हाफ एडर को लेके तब एक फुल एडर बनाऊंगा। मैंने आपसे क्या, इतनी बात सबको समझ आ गई, मैंने आपको क्या कहा कि अगर हमें फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना है और हमें वहां कंडीशन दे दी गई क्वेश्चन पूरा होने के बाद कि इम्प्लीमेंट द फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर सर्किट, तो उसमें आप फुल एडर सर्किट पूरा नहीं बना सकते, उसमें आपको दो हाफ एडर मत, तो आपको हाफ एडर मत दिखाने पड़ेंगे। और उसको बनाने का क्या तरीका है, मैंने आपको लिखवाया, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है, हाफ एडर, फुल एडर को हाफ एडर की हेल्प से इम्प्लीमेंट करने के लिए दो फुल एडर, दो हाफ एडर और एक और गेट चाहिए, यही तो लिखवाया। और समझ आ गई मेरी बात, तो देखिए इसे जिसको नोट करना है नोट कर, जल्दी से पहले इसको बना दो, फिर मैं फिर वो कर, जल्दी करो विदिन अ वन मिनट फटाफट, क्योंकि मुझे नेक्स्ट में पढ़ाना है, मुझे ये सर्किट डायग्राम है इसमें सर्किट दिखा दूंगा, जल्दी से। बहुत सिंपल है, इसमें कोई परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुछ हम समझ नहीं। हो गया बच्चों, हो गया, फटाफट पढ़ लो बच्चों प्लीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरा ना समझा तो फिर आपको स्ट्रक्चर इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। जिस दिन आपको लगेगा कि अभी हमारा पीछे का रिवाइज नहीं हुआ है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप बोल देना कि पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि ओवरफ्लो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है आपको, बेसिक अगर पीछे का नहीं पता हो तो नहीं समझ आएगा, अगर आपको लॉजिक नहीं समझ आ रहा है तो रिवाइज करा लो, लेकिन उसे बेमतलब का ओवरफ्लो मत करो, तुम खुद से नहीं पढ़ पाओगे उसको, और याद करके तो पास हो ही जाओगे लेकिन समझ नहीं आएगा, कर दो अब।
चलिए अब यहाँ देखिए, सबके पास हाफ एडर का संकेत आ गया, ट्रुथ टेबल सबने ड्रॉ कर ली, कर दो अब इधर भी। चलिए अब यहाँ देखिए, अब जो मैंने बोला अब मैं उसको जस्टिफाई करती हूँ, ठीक है, ऐसे ही समझ आती है चीजें। उसने कहा सर्किट के अंदर हाफ फुल एडर हो लेकिन हाफ एडर से बनाओ, तो हाफ एडर से बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो हाफ एडर सर्किट लेने पड़ेंगे, हाफ एडर हाफ एडर हाफ एडर, समझ आ रही मेरी बात, ये दो हाफ एडर सर्किट है आपके, एक हाफ एडर, किसी देखो ऐसे होता है ना, हाफ एडर दो इनपुट्स होती है, अभी मैं कनेक्शन नहीं कर रही हूं, सब आप सुनो, सुशील यहां सुनो, हाफ एडर में क्या होता है, दो इनपुट्स और एक आउटपुट, मैं ऐसे कैसे बनाऊं, दो इनपुट्स और एक आउटपुट, ऐसे होता है हाफ एडर, ठीक है। तो पहले उसने फुल एडर बनाने के लिए कहा है हाफ एडर की हेल्प से, तो पहले हाफ एडर बनाएंगे, तो ये तो हमें पता लग गया कि फुल एडर का मतलब है दो हाफ हाफ, दो हाफ हाफ क्या होता है, फुल ही होता है, 1/2 + 1/2 क्या होता है, 1 होता है, इस तरीके से समझ लो कि दो ही हाफ एडर यूज होंगे पहले। अब दो हाफ एडर में एक तो ए आ गई इनपुट, एक बी आ गई, अब कुछ ठीक है, इसमें भी दो इनपुट्स आए, इसको बताऊंगी, इससे एक तो सम निकलेगा हाफ एडर से और एक क्या निकलेगा, कैरी, समझ आ रही है ना, इसी तरह एक सम इससे निकलेगा और एक कैरी इससे निकलेगा, कहने का मतलब आ गया सम 1 कैरी 1, सम 2 कैरी 2, आ रही मेरी बात समझ। अब हमने क्या किया, अभी तो हाफ एडर है, अभी तो फुल एडर का हम बना रहे, तो मेरा एक्शन नहीं करे, फुल एडर ये कहता है, फिर बेसिक पे जाओ, फुल एडर ये कहता है कि आपके पास 3 इनपुट होनी चाहिए, तो यानी मेरे यहाँ पे 1 इनपुट और होनी चाहिए, समझ लो पहले आशीष, ये आपके कैरी होगी, यानी ये 3 इनपुट होगी, ठीक है, तभी तो फुल एडर बनेगा, अगर फुल एडर का मतलब ये है कि आपके इनपुट पे 3 इनपुट्स होने चाहिए आपके फुल एडर पे, लेकिन हाफ एडर तो कोई तरीका ही नहीं, फुल एडर पे 3 इनपुट, हाफ एडर पे 2 इनपुट, तो आप क्या करोगे, आप बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कह रही हूँ कि ये तो दो, ये इसकी जो इनपुट्स, ये हाफ एडर दो आउटपुट्स, हाफ एडर दो आउटपुट्स, एक कैरी सम की, एक कैरी की, एक सम की, एक कैरी की, तो मैं तीसरी इनपुट कहाँ लेके जाऊँ, तीसरी इनपुट में कैसे लेके जाऊँ, आप उसको इसका तो सब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी मैंने पीछे बताया ए एक्सॉर बी, ठीक है, और कैरी में क्या आएगा, ए डॉट यही आएगा। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान सुनना, अब मुझे क्या करना है, जो आपका सेकंड वाला सर्किट है हाफ एडर, सेकंड वाला सर्किट जो है हाफ एडर, मुझे उसमें क्या करना है, ये तीसरी जो इनपुट पे है वो इनपुट, एक इनपुट तो आ जाएगी इसकी यहां से संबंध, वो आपने सब कनेक्ट कर ली, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन गई, एक इनपुट तो यहाँ आ गई, इस हाफ एडर को एक तो इनपुट ये वाली मिल गई, और जो इनपुट पे तीसरी इनपुट थी हमारी, वो हमें इस हाफ एडर की एक इनपुट बना दी, तो आपने एक तरीके से 3 इनपुट पूरी की पूरी कहाँ दे दी, सर्किट के अंदर दे दी, ये 2 इनपुट थी, इसमें तो तीसरी इनपुट आ नहीं सकती, इसमें सम मिलेगा और कैरी मिलेगा इस सर्किट से, ठीक है, तो इसका सम आपने एज ए इनपुट दूसरे हाफ एडर को दे दिया, काम हो गया एक इनपुट, लेकिन हाफ एडर कितने इनपुट चाहिए, 2 इनपुट, तो अब हमने क्या किया, जो थर्ड इनपुट थे, क्योंकि हमारा फुल एडर को 3 इनपुट देनी पड़ती है, तो दो हमने यहाँ हाफ एडर में यूज कर ली, और तीसरी हमने सेकेंड हाफ एडर के सर्किट की इनपुट दे दी, तो इनपुट तो इसमें 2 ही रही ना, ये तो इसका रिजल्टेड था ना, समझ आई, तो इनपुट यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी ए एक्सॉर बी, यहाँ से तो इनपुट क्या आ रही थी ए और बी, और इसकी आउटपुट क्या है सम की, ए एक्सॉर बी, तो ए एक्सॉर बी आपने हाफ एडर की इसको दे दी, कैरी को नहीं छेड़ा, कैरी को नहीं छेड़ना, कैरी को नहीं छेड़ना हमें, और हाफ एडर में आपने क्या किया, ये जो कैरी है इस कैरी को इसकी क्या बना दिया, इनपुट बना दिया, तो ए एक्सॉर बी यहाँ से और सी यहाँ से, सी इनपुट, आ रही मेरी बात समझ, तो इसके सम पे क्या आएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, जो फुल एडर में आ रहा था, क्योंकि इस ये वाली चीज इसके अंदर है, तो ये हाफ एडर यही चीज ना, हाफ एडर है तो मतलब बच्चों यही चीज ना, है तो यही चीज ना, उसको मैंने बनाया दूसरे तरीके से है,
समझ आ गई। इसी तरह ये सर्किट भी ऐसे ही, ठीक है, समझ आ रही बात। मैं आपको वन बाय वन समझा रही हूँ। तो आपको सिर्फ यहाँ पे हाफ एडर लिखना है, यहाँ पे हाफ लिखना, इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब क्या होगा, अब मैं प्लीज कैरी वाले सर्किट की बात, एक कैरी तो यहाँ से आ रहा है, एक कैरी यहाँ से आ। मैंने क्या कहा, दो हाफ एडर सर्किट और एक और गेट। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि हमारी जो कैरी होती है वो कैसे आती है, ए डॉट बी, ठीक है। तो मेरी जो कैरी आएगी ये वाली, इसको मैं बनाऊंगी यहाँ पे। फाइनल सम यहाँ आ गया, सम इसका सम, इस वाले सर्किट का सम, सम से ये आपका फाइनल वैल्यू आ गई सबकी। और कैरी जो है वो भी फाइनल कैरी आना चाहिए, पूरे सर्किट का एक फाइनल कैरी आना चाहिए ना। ये तो हाफ एडर का होगा, फुल एडर का जो कैरी आएगा वो कैसे आएगा, ए बार बी प्लस बी ए बार, जो हमने परसों निकाला था। फाइनल वैल्यू वही आएगी जो आप बिना फुल हाफ एडर के भी बनाओगे सर्किट को, वैल्यू वही आएगी सेम, लेकिन वो फाइनल वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या आएगी, कैरी के लिए आपने एक कैरी तो यहाँ ले दिया, कैरी टू और एक कैरी यहाँ पे, और गेट था ना, सॉरी एंड नहीं हो गई, तो दिया नहीं, मैंने और गेट नहीं, अभी तुम रुक जाओ, सुन इसमें और गेट आएगा आपका। अब हमें वैल्यू वो निकालनी, जो मैंने फुल एड्रेस समझाया ना, आप वहां से देखो कि हम क्या करें। समझ आई मेरी बात, ये सर्किट बनेगा, इसका कैरी का इनपुट, गेट की दो इनपुट्स होनी चाहिए और एक कैरी, यानी कैरी वन टू कैरी वन, ठीक है। हाफ एड, यहाँ पर सबको समझ आया, आप सब ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करो जल्दी से, जल्दी से ड्रॉ करो, फिर मैं इसको और फाइल में डाल दूँ, पहले इसको ड्रॉ करो। और आप ऐसे लिखो चाहे इसे, अगर आपको समझ ना आ रहा हो ये तो ऐसे हाफ एडर वन सब्जेक्ट और फिर हाफ एडर टू सब्जेक्ट, समझ तभी आएगा जब दिमाग को जोड़ डालो। मैं इसके ऊपर स्क्रब कर रही हूँ ताकि इसका सर्किट ऊपर ही बने, पहले आप कोट कर लीजिए। चलिए बच्चे समझाओ, सब लोग ध्यान देते हैं, देखो बच्चे एक्चुअली अब मैं सबसे डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान दीजिए। मैं इसको रब नहीं करती कि यहीं से मुझे डायग्राम बनाना, आपको समझ आ गया, समझ आ गया बना पा रहे हो, फिर देखो फिर आपको समझ। ध्यान पहले हाफ एड्रेस बना, पहले हाफ एड्रेस विवेक ध्यान देते पहले हाफ एड्रेस बना, हाफ एड्रेस के लिए ये करते हैं और ये आपका यहाँ पे आपका आ गया ऐड, ऐसे ही होता है।
इसी तरह आपने यहाँ पे बनाई एक हाफ एडर ट्यूब के लिए, है तो वो एडर सर्किट ना हाफ एडर, फिर आपने बनाया तो ए बी, ये किसके लिए, सम के लिए, सम वन, और ये किसके लिए कैरी। उसके बाद में इस सम को आपने कनेक्ट किया, इस सम को आपने कनेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है, सम को, और एक कैरी जो सी इनपुट था वो आप ले गए यहाँ पर। उसके बाद में इसका कैरी क्या आएगा, यही से जो, देखो हर बार क्या हो रहा है, जो इनपुट इस वाले गेट को मिल रही है वो इसको मिल रही है, हाँ या ना, इसमें भी तो ऐसे ही होगा, इस वाले गेट के लिए आप क्या उठाओगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली, बेसिक नहीं छोड़ना है, बेसिक समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया, तो कनेक्शन आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब जो ये एक्सोर और ये एंड गेट इसी इनपुट के लिए तो है, इसी तरह ये एक्सोर गेट और ये एंड गेट इस सर्किट के लिए, तो जो इनपुट इसको मिली है वो इनपुट इसको मिलेगी, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां से क्या मिलेगा, टोटल सम, सम टू, और ये क्या हो जाएगा, कैरी टू। अब ये कैरी को लेफ्ट आपको अनकनेक्टेड नहीं छोड़ना, आपने इसको क्या करा, इसको आप आगे बढ़ाते हुए आगे लेके आए, और यहां पे आपने क्या कनेक्ट किया, और जब मैंने आपको फुल सर्किट बताया था, फुल एडर सर्किट, तो आपने एक्सोर के साथ में वहां पे ओवर हेड कनेक्ट किए, समझ आई मेरी बात, ये क्या करेगा कहानी। अब देखो, अब यहां पे आप समझिएगा मैं क्या कह रही हूं, अब जो मैं यहां पे आउटपुट लिखती जा रही हूं इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, समझिए ए बी एक्सोर की क्या आएगी, ए एक्सोर बी, जो किसके बराबर होगी, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है, आप कह सकते हो ए बार बी प्लस ए बी बार, समझ आ रही मेरी बात, तो ऐसा मत करो, ये क्या है एंड गेट, मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ए डॉट बी, दैट्स तो यानी अब ये वाली वैल्यू यहां चली जाएगी, तो क्या, और ये यहां से क्या आ रहा है, सी इनपुट आ रहा है, ये रहेगी आपकी सी, क्या हो रहा है, इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो भाई, अननेसेसरी जानबूझ के मत करो, मुझे पता है कौन क्या कर, नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ, नहीं समझ आओ, तो ए एक्सोर बी और फिर आपने सी और एक्सोर में दे दिया, तो क्या आ जाएगा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, दैट्स इट, उसमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, वो मैं पहले फुल एडर में समझा चुकी हूँ, पूरी की पूरी टेबल मैंने खोल के बताई थी, तो ए एक्सोर बी तो ये यहीं से आ रहा है और ये तीसरा भी सी इनपुट आई, तो ए एक्सोर बी एज एन इनपुट एक्सोर में और सी भी एक्सोर, क्या है ए एक्सोर बी एक्सोर सी, हमेशा जब भी आपको एक्सोर के टेबल बनाने तो हमेशा याद रखना सेम इनपुट्स होंगी तो आउटपुट हमेशा लो आएगी, खत्म, जीरो जीरो जीरो, तीन बार जीरो सेम है जीरो, फिर एक लास्ट कॉम्बिनेशन पे आएगी वन 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 वन, वहाँ पे जीरो आएगा, बाकी सबके लिए 193 इनपुट्स के लिए, फोर का होगा तो भी ऐसे कर दोगे फोर इनपुट्स आ जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बेसिक याद रखो ना, ट्रुथ टेबल मत याद रखो, बेसिक याद रखो किस पे इनपुट क्या है, किस पे, क्योंकि इसके बाद में आपका फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट होगा, उसमें अगर आप इस चीजों को ध्यान नहीं रखोगे ना, यूज टू नहीं होगे तो फ्लिप फ्लॉप कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब याद रखो सम आ गया फाइनल, तो वैल्यू आ गई ए एक्सोर बी और एक्सोर सी, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कैरी वाली, ये वाली, ये तो कहानी हो गई, अब आई इस कैरी की बात, तो कैरी इसकी वैल्यू क्या आ गई ए डॉट बी, तो मैंने यहाँ लिखा ए डॉट नहीं आया, और यहां से वैल्यू क्या आ रही है, यहां से इस वाले कैरी का आउटपुट क्या आएगा, देखो यहां पे ए एक्सोर बी और यहां से क्या आ रही है अभी सी, ऐसे ही तो आ रहा था, तो क्या करें, ये कौन सा गेट है एंड गेट, ये क्या करता है मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे ए एक्सोर बी डॉट सी, ये तो आएगा, दैट्स इट। अब आपने क्या करा, इसको किस पे लगाया, किस पे दिया आपने, और गेट पे, और गेट क्या करेगा जोड़ेगा, तो यहाँ पे पहले इसी तरह लिखो जैसे मैंने लिखा है, तो आपको कभी देखो बहुत जल्दी करोगे ना तो समझ तो आ जाएगा, मैं आगे के लिए भूल जाऊंगा, बेसिक पकड़ पकड़ के करोगे ये वैल्यू कहाँ की, तो आप प्रैक्टिस में आते आते ना बहुत अच्छी चीज़ आपको दो तीन साल में तीन साल में
तुम्हारे तक छपाओगे ना तो कभी परेशान नहीं होगे, उसको दोबारा खोलना नहीं पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। अभी शॉर्टकट का जब समझ चलो तो अब क्या हो जाएगा सर, तो ए एब्जॉर्ब बी सी, और ये क्या करता है प्लस करेगा तो प्लस ए डॉट, समझ आ रही मेरी बात। फिर आप इसको ओपन कर लो, देखो मैं इसको ओपन करके नहीं बताऊंगी क्योंकि इसको मैं पूरा बता चुकी हूँ। आप फाइनल जो बच्चे हैं लास्ट लेक्चर में आए थे आदित्य वगैरह राहुल गुप्ता नहीं आया, तो फुल एडर सब्जेक्ट में मैंने आपको ये बताया था उस टाइम तक तुम आ चुके थे बच्चों, तो तुम्हारे साथ हो गए फुल एडर में मैंने पूरा ओपन करके बताया था ए एग्जॉर्ड बी एग्जॉर्ड सी वो उसके अंदर है, मैं नाम बाद में डाल दूंगी अभी लिंक अभी खोल दूंगी आप जाके अभी देख लेंगे उसको, ठीक है। अब मैं इसको समझा रही हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो ए डॉट बी है, ठीक है। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर दूंगी ए एग्जॉर्ड बी एग्जॉर्ड सी को, सॉरी ए एग्जॉर्ड बी और सी को, तो ए एग्जॉर्ड बी की वैल्यू लिखो ए बार बी प्लस ए बी बार, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी बार प्लस ए बार बी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, 2 प्लस 3 हो या 3 प्लस 2 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आप आ गया सी, ठीक है, प्लस ए भी रहने दो, इसको मत छेड़ना, इसको मत छेड़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद में आप क्या करोगे ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, आप इसमें वैल्यूज को लेना शुरू करो, पहले आप बी को कॉमन ले लो इसके अंदर से, नोट करो उसको, पहले उसको बना लो उसको रखो बना लो, फिर ये आपको करो बराबर चीज पापा।
नोट कर लो, जिसमें मैं समझा रही हूँ लास्ट तक का नोट कर लो, वो फाइनल क्या क्या आएगा। सबको समझ आ गया कनेक्शंस। चलो हो गया, तो फटाफट समझा दो उसको, पॉइंट हो गया नोट, तो मैं समझा दूंगा फिर आप 2-3 मिनट ले लीजिएगा, जिसका नहीं होगा मैं इसको समझ लूँगा, इसको जाना होगा चला जाएगा। ये तो पता लग गया कैसे आया, एक कैरी से ये आया है और दूसरे कैरी से ये आया है, तो फर्स्ट वाला कैरी था, फर्स्ट हाफ एडर्स था। पहले सब लोग समझ लो ना, नहीं समझ आएगा यहाँ, समझ लो नहीं समझ आएगा, मैं कह रही हूँ नहीं समझ आएगा, सभी लगे पड़े हैं, तुम्हें पीछे समझ आएगा, तुम याद करते रहना, तो बता रहे कहाँ समझ नहीं आएगा, तुम्हें यहाँ समझ ही नहीं आएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, बी कॉमन घूमते रहना, अच्छे तुम्हें लगा पड़ा है समझ सुन ही नहीं रहा, नहीं थोड़ा सा फिर जब मैं कह रही 2 मिनट का टाइम दे दूँ, कितना इधर उधर होगा बच्चे तक लिखने में, कि देखो ये सबको पता लग गया कहाँ से हो, हमने इसको ओपन किया, हमें पता है हम ए एक्स और बी कैसे मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, फिर ये सी है, आप अंदर क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, फिर यहाँ से क्या आएगा, जो दूसरे कैरी का था क्या था, फर्स्ट वाली कहा बैठे का ए बी, तो ए डॉट बी, इसको आपने यहाँ पे साथ साथ लिया, फिर फर्स्ट और थर्ड की आपने पेयरिंग की, क्योंकि उससे कॉमन आ सकता है आपका बी, तो आपने क्या किया इस वाले को तो उठा के यहाँ लिख दिया ए बी बार सी को, और फर्स्ट और थर्ड में से आपने क्या किया बी को कॉमन लिया, तो क्या बचा ए बार सी प्लस ए, तो मैंने इसको लिखा ए प्लस ए बार सी। अब मेरी बात सुनो, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था जो मैंने आपको जब डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह बताई थी, लॉस बताए थे एंड लो और लो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उस लॉ में देखना मैंने उसको बताया था ए प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में थर्ड पॉइंट बताया था ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या ये कैसे आएगा ये समझाऊंगा, ठीक है, तो जहां पे भी ऐसा होगा ना ये वैल्यू और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कोई वैल्यू होगी वहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस टू, इसी तरह अगर आपकी वैल्यू ऐसी है बी प्लस बी बार सी, तो क्या बी प्लस सी, बस इतना याद रखो, समझ आ गई मेरी बात। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया है, उसे मैंने पूरा डिटेल में समझाया, आप चाहो तो अपलोड हुई वीडियो आप देख सकते हो, तो ए प्लस ए बार सी है, आप यहाँ पे लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आप एकदम समझ आ जाएंगे ये कौन सा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आएगा यहाँ ये कौन सा लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी क्या ए प्लस ए बार सी, तो ये क्या लेगा ए प्लस सी, ठीक है, ये पहले यहाँ पे एज इट इज कर जाएगी। अब क्या बचा ए बी बार सी प्लस ए प्लस सी और बी, आपने इसको ओपन किया ए बी बार सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ऐसे ही आएगा, फिर आपने क्या किया इन दोनों में से ए कॉमन आ सकता है फर्स्ट और सेकेंड में से, ठीक है, तो आपने ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बी बार सी और बी, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो गया, क्या चला बी प्लस सी, तो आपने यहाँ पे बी प्लस सी, समझ आ गई मेरी बात। अब क्या बचा, अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं आपका, इसको फिर से ओपन करोगे ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी और यहाँ से बी सी, यही आना चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही आना चाहिए, क्लियर है, ये काम तो मुझे लगता है सबको समझ आ गया है, इसको नोट करना है नोट कर ले, और हाफ सबट्रैक्टर का मैं कल या परसों 4 दिन में आपके दोनों सबट्रैक्टर घर पे खत्म कर दूंगी, तो नो नीड टू बी कंप्लीट, तब आप समझ सकते हैं 15-15 मिनट की वीडियो।
प्रमोट कर लो एंड यू कैन वर्क फ्री. अब तुम्हारा तुम्हारा कुछ मेन चक्कर इसको वो करो पोस्ट पोस्ट बंद कर दो.